हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी मैं हूं अपने जंगली रिजॉर्ट में। पीछे बर्ड्स बोल रही हैं और जा रहा हूं ट्रैकिंग करने के लिए उस पहाड़ की चोटी पे। ये जो चोटी दिख रही है, इस पे जा रहे हैं हम। इसको बोलते हैं बुकंडी समिट। इसके ऊपर एक गांव है, उसका नाम है बुकंडी। और क्योंकि ये चोटी है तो समिट, तो ये बुकंडी समिट है। करीब 1 घंटा लग जाएगा चढ़ने में। तो मैं ऐसे जाके ऐसे ऐसे चढ़ूंगा। वैसे चढ़ने का रास्ता ऐसे भी है, लेकिन ये बहुत घना जंगल है, भालू भी हैं और एकदम खड़ी चढ़ाई हो जाएगी। तो ऐसे चढ़ने की जगह ये जो पहाड़ ऐसे जा रहा है, ऐसे चढ़ूंगा। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन चढ़ाई आसान हो जाएगी। और वहाँ से मैं आपको जंगली रिजॉर्ट कैसा दिखता है वो दिखाऊँगा, कैसा व्यू आता है और कैसे कैसे ट्रैक है घने जंगल में वो बताता हूँ। अभी वो पीछे नदी दिख रही है और जहाँ हमें जाना है वो है वो उंगली की सीध में, वहाँ पे। तो ट्रैक पे जा रहे हैं मैं, हरिमोहन और पुष्कर। वो सामने दिख रही छोटी जहाँ जाना है। थक गए, अब बैठ के आराम कर रहा हूँ। अभी बहुत ऊपर जाना है और यहाँ से ये नीचे आई। वो सामने नदी की धारा दिख रही है और ये पूरा मणिकूट पर्वत है, राजाजी नेशनल पार्क। कई सारे लेपर्ड हमें देख रहे होंगे और एक टाइग्रेस भी है, 3 कब्स भी हैं। तो कितनी दूर टेरिटरी बनाई है। और जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ भी काफ़ी सारे लपड़ हैं और पीछे भालू भी है। एक छोटा सा गांव दिख रहा है देवली। और वो दो, ये जो मेरी उंगली की सीध में दिख रहा है, इसमें लेफ्ट वाला है गणेश गुफा, राइट वाला है झिलमिल गुफा। मेरा व्लॉग बना हुआ है झिलमिल गुफा का। तो यहाँ से 12 किलोमीटर है बाई रोड, ट्रैक करके तो होगा 7-8 किलोमीटर। तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। बड़ी सुंदर गुफा है वो झिलमिल गुफा और वो सामने दिख रही है। ये नीचे नीचे नदी का व्यू आ रहा है। हम ऑलमोस्ट 70% चढ़ाई चढ़ चुके हैं और बहुत ही घना जंगल है। और कोविड होने के बाद ये मेरा पहला ट्रैक है। लोग बोलते हैं कि 6 महीने तक ट्रैक नहीं करना चाहिए, तो मैंने भी 6 महीने वेट किया है। मुझे मई में हुआ था कोविड, 14 मई को, तो ये नवंबर है। वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लंग्स में पेन होता है। वो पेन मेरा कोई सीवियर नहीं था, मेरी तो ऑक्सीजन लेवल भी 99 से नीचे नहीं आया था। लेकिन जो भी इम्पैक्ट हुआ, मैंने यूट्यूब के वीडियोज़ देखे, उसमें ये होता है कि हार्ट के ऊपर तो पेरिकार्डियम होता है, इसके लंग के ऊपर एक कोई कवर होता है, प्लूमा या ऐसा कुछ बोलते हैं। वो कोविड के बाद थोड़ा इन्फेक्टेड हो जाता है, जब सांस कोई ज़ोर से लेता है तो उसमें पेन फील होता है। तो वो फील होता है अभी, या तो साइकोलॉजिकल होगा, लेकिन वैसे कुछ नहीं। थोड़ा सा वेट कर लो तो एकदम पता नहीं चलता। जैसे मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं चढ़ के आया हूँ, एकदम परफेक्ट। शुरू शुरू में लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो पीछे का व्यू आ रहा है, नदी, घर बने हुए हैं और पीछे पहाड़ का व्यू है। पहाड़ के ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर चलते जाना है। चढ़ के हमारी सांस फूल रही है, लेकिन ये अंकल जी गाय यहाँ पे चढ़ा रहे हैं पहाड़ पे। रिजॉर्ट हमारा ही है। आपका क्या नाम है? तो कोई चीज छोड़ना नहीं। हाँ, तुम भूल जाते हो। नहीं नहीं भूले, और वो फिर नहीं मिलता। सही बात है। आप कहाँ रहते हो? यहाँ पर बुकंडी में। ऊपर बुकंडी के पर थोड़ी दूर पर। थोड़ी दूर पे। तो पूरे दिन गाय चराते हो? हाँ, पूरे दिन नहीं, मतलब शाम तक। शाम तक फिर बस घर चले जाओगे? हाँ जी। लकड़ी वकड़ी भी इकट्ठा करोगे? हाँ। चलो ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, चलिए ठीक है। नमस्कार। नमस्कार बाबू। मुझे जो अंकल जी मिले थे, सुरेंद्र सिंह जी, इनकी उम्र
90 से ज़्यादा है, 95 साल के आसपास है, हरिमोहन बता रहा है। और 95 साल की उम्र में पहाड़, खैर रहते ही पहाड़ के ऊपर हैं, लेकिन पहाड़ पे नीचे, मतलब वो तो नीचे ही उतरे बीच में, और गाय चरा रहे हैं, फिर चढ़ के ऊपर जाएंगे। उम्र है 95 ईयर्स और पहाड़ पे चढ़ उतर रहे हैं। वो सामने व्यू आ रहा है, और ये जो बेंड दिख रहा है नदी का, ये जंगली रिजॉर्ट के लिए जब हम जहाँ मुड़ते हैं, ये जो रिवर जा रही है ना ऐसे ऐसे, इसमें ही आगे जाके यहाँ पे है जंगली रिजॉर्ट। तो हम जंगली रिजॉर्ट के ऊपर ही हैं, लेकिन उसके ऊपर वाली जो चोटी चढ़ रहे हैं वो है, वो एक डेल्टा बना हुआ है, और मैंने कई बार दिखाया है, बेर की झाड़ियों का जंगल आता है, भालू का और टाइगर का फेवरेट स्पॉट वो सामने है। और ये जंगल टाइगर्स की टेरिटरी है। इस पहाड़ के पीछे वहाँ पे विंध्यवासिनी माता का मंदिर दिख नहीं रहा है, वहाँ पे कल मैं रात को सोहनलाल जी से बात कर रहा था, तो वो बता रहे हैं कि जनवरी में तो बहुत आवाज़ आती है टाइगर्स की, क्योंकि उनका घर विंध्यवासिनी माता के एकदम नीचे ही है। तो बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या रीज़न है, जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा दहाड़ने की आवाज़ आती है। और देखा भी है उन्होंने, अभी रिसेंटली तो नहीं देखा, 2-2.5 साल पहले थे, बोल रहे थे इतना बड़ा साइज है उसका। अब अगर वही टाइगर्स है या टाइगर है, बोल रहे बहुत बड़ा साइज है। वो किसी भैंस पे पंजा मारा था तो इन लोगों ने नापा था, तो जो पंजा होता है 18 इंच का पंजा था जो भैंस के ऊपर मार के उसने स्क्रैच मार दिया था। दिख रही है पुष्कर के पीछे, यही है जहाँ हमें जाना है, लेकिन हरिमोहन कह रहा है ये वो नहीं है। क्यों, वही है कि नहीं है? जंगली रिजॉर्ट तो दिखाई देगा। हाँ वही, जहाँ जंगली रिजॉर्ट दिखे वही जाना है। ठीक है, तो वही जगह है फिर, क्योंकि इसके पीछे गांव काफ़ी आगे बता रहा है। तो हमारा मकसद गांव जाना नहीं है, समिट पे चढ़ाई करना है, समिट की चोटी यही है। सो एग्जैक्टली हम जंगली रिजॉर्ट के ऊपर हैं, ये मेरी उंगली की सीध में जंगली रिजॉर्ट है। यहाँ पे हल्का हल्का या तो हमारा टेरेस हाउस दिख रहा है, या बगल में जोशी जी का घर। ये मोड़, ये हमारे रिजॉर्ट के ठीक सामने राजू का घर है, जिसका मैंने वीडियो बनाया, और कई बार मैंने बताया कि ऊपर एक गांव है। तो ये देखिए, यहाँ पे घर बने हैं, वो महिपाल वगैरह रहते हैं, और उसके ऊपर और है, तो 8-10 घर वो हैं, 8-10 घर ये हैं। तो वो भी सामने एक समिट है, वहाँ तो मैं गया हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा ऊँचाई भी तो हम पहुँच चुके हैं अभी, और हमको उतना ऊपर और जाना है। तो हम बिल्कुल ठीक अपने जंगली रिजॉर्ट के ऊपर हैं। हम यहाँ से आते हैं, रास्ता शॉर्ट पड़ता, लेकिन चढ़ाई बड़ी मुश्किल हो जाती, गिरने का भी चांस था, तो हमने ऐसा लंबा रास्ता लिया है। तो यहाँ से देखिए ज़बरदस्त नज़ारा है, सामने झिलमिल गुफा, नीलकंठ महादेव भी वहीं पे है। दोस्तों एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे गंदी चीज़ दिखाई, और वो है लेपर्ड की पॉटी। देखिए ये लेपर्ड की पॉटी पड़ी हुई है, तो लेपर्ड, अकेला रह गया हूँ मैं, वो लोग आगे निकल गए, लेकिन लेपर्ड का डर नहीं है, डर है कुत्ते का, उसके लिए डंडा है। ये गांव के घर जब मिल जाते हैं ना, तो वहाँ कुत्ते होते हैं, वो भौंका है, देखो मैंने कहा ना होते हैं। अभी भूटिया कुत्ता बैठा है, काले रंग का, लेकिन डंडा है, बताओ क्या नौबत है। लेपर्ड से डर नहीं लगता, कुत्ते से लगता है, लेकिन उसका एक रीज़न है। लेपर्ड को नहीं पता कि आदमी कितना डरपोक होता है, जोर से चिल्ला दो, पोस्चर ऐसा कर लो तो डर जाता है, कुत्ते को पता होता है कि आदमी डरपोक होता है। ये भूटिया कुत्ता है बंधा हुआ है, लेकिन जंगली रिजॉर्ट दिख रहा है। ये जो छत घिरी सफ़ेद रंग की, ये हमारे टेरेस हाउस की छत है, उसमें ग्रीन कलर की टंकियाँ दिख रही हैं, उसके नीचे जो हमारे कड़कनाथ मुर्गों का वो है, उसके नीचे डाइनिंग हॉल, ब्रिक हाउस की छत भी दिख रही है,
और वो हमारा जनरेटर भी दिख रहा है, वो गाड़ी भी दिख रही है लाल रंग की। तो यही हमारे जंगली रिजॉर्ट है जो मैंने अभी आपको ये वीडियो स्टार्ट करते वक्त दिखाया था। तो मैं टेरेस हाउस पर था तो हम एकदम ऊपर आ गए, और कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमको लगता है आधे घंटे 40 मिनट लगे होंगे।